फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ वैशाली, आप सभी लोगों का स्वागत है वैशाली मित्रा के फैशन डोज पे। तो आज थोड़ा अलग लग रहा होगा ना कि मैं ऐसे मतलब होली के कलर्स में क्यों बैठी हूँ। एक्चुअली मैं अभी अभी मतलब रीसेंट वीडियो मेरा गया है होली स्पेशल, जो कि हमने आउटडोर पे शूट किया था। तो बहुत अमेजिंग वीडियो है यार, जिन्होंने नहीं देखा है ना वो वाला वीडियो जाके ज़रूर देखेगा। बट आज का वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये है एक पैटर्न सीरीज़ का वीडियो, हैशटैग पैटर्न सीरीज़ येलो कलर स्पेशल। सभी लोगों ने बहुत सारी डिमांड की थी कि येलो कलर पे हमें कुछ स्पेशल आउटफिट्स और स्पेशल ऑप्शंस दिखाइए, क्योंकि ये है कलर ऑफ हैप्पीनेस। मतलब येलो कलर देखते ही पहनने के बाद एक स्माइल फेस पे आ जाती है हमेशा की तरह। ऐसे ही कुछ अफोर्डेबल पीसेस आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। सारी शॉपिंग की है मैंने अमेज़न से, और अमेज़न आप लोगों की फेवरेट जगह है और आप सभी का फेवरेट तरीका शॉपिंग करने का, माई हॉल स्टोर। यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक है, सिंगल लिंक माई हॉल स्टोर का लिंक, उस पर आप क्लिक कीजिए। सभी आउटफिट्स के पिक्चर निकल कर आएंगे, जो भी आउटफिट आपको बाय करना है जस्ट टैप करके अपना ऑर्डर प्लेस कर देना, बस इतना सा ही सिंपल है, सिंगल लिंक, ज़्यादा आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। सो शुरू करते हैं फर्स्ट कुर्ती से, जो कि बहुत अफोर्डेबल होने वाली है। इसका मैंने एक और कलर जो कि ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, रेड कलर, वो भी बहुत अमेजिंग था MYX ब्रांड की तरफ से। कलर तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि सारी ही ड्रेसेस कुर्ती येलो कलर में होने वाली है। येलो कलर सेम नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट येलो में भी बहुत सारे अलग अलग कलर्स आते हैं। तो इस तरीके का ब्राइट येलो कलर है और इसको ना अंगरखा स्टाइल कुर्ती बोलते हैं। ये कंप्लीट रेयन मटेरियल में आपको मिलेगी। यहाँ की तरफ ना थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल वाइट कलर का पैटर्न आपको मिल रहा है। ट्राई ऑन पे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से क्लोजअप लुक आपको दिखाई देगी। इसको मैंने लेगिंग के साथ पेयर किया था, आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे तो स्कर्ट ट्राई कीजिए। बैक साइड पर आपको इसका इस तरीके से एक लूप होल मिलेगा विद बटन, और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। मैंने सभी में लार्ज साइज पहना है और लार्ज साइज बाय किया है, तो ये फिटिंग जो आप देख रहे हो, अगर आप मेरे साइज रेफर करते हो तो आराम से आप लार्ज खरीद सकते हो। आगे से जो ये पैनल देख रहे हो आप, ये बंद होता है साइड पर, ये टाई नॉट देख रहे हो ना, इससे बंद हो जाता है फ्रंट का पैनल। तो ये कुर्ती अंगरखा स्टाइल में आप बोल सकते हो, पहनने के बाद बड़ी कंफर्टेबल है और देखने में तो A1 लगती है। नेक्स्ट कुर्ती इज थोड़ा सा पार्टी टाइप है ना, अगर थोड़ा बहुत छोटा मोटा फंक्शन अटेंड करना है। देखिए, किसी भी सिंपल लुक को आप पार्टी वेयर या फिर किसी ओकेजन के लिए परफेक्ट कैसे बनाते हैं, या तो हम कोई ब्राइट सा दुपट्टा ऐड कर लेते हैं, या अच्छी सी हैवी ज्वेलरी पहन लेते हैं, या फिर हैवी मेकअप कर लेते हैं। दैट्स इट यार, स्विच करने के यही तरीके हैं। तो आप इस तरीके की कुछ बेसिक कुर्तीज़ अपने पास ज़रूर रखना, मैं आपको बोलूँगी। ऑरेलिया ब्रांड से है, ब्रांडेड कुर्ती है, बहुत अच्छे प्राइजेस में मिल रही है। फ्रंट पे जरी से पिंटक्स का डिज़ाइन है, राउंड नेक ऊपर मिलेगा विथ सीक्वेंस, गोल्डन सीक्वेंस है, गोल्डन थ्रेड से यहाँ पे पिंटक्स का डिज़ाइन है, और 3/4 स्लीव मिलेगी। ये थोड़ा सा ना सैटन वाला जो फिनिश होता है ना, उस तरीके का, मतलब क्रेप मटेरियल में थोड़ा सा शाइन है, आप देख सकते हो ना ग्लॉस। तो ये कंफर्टेबल है, मुझे तो बिल्कुल भी इस फैब्रिक में दिक्कत नहीं होती है। इसके साथ आप बांधनी दुपट्टा या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ट्राई करना। नेट पे कोई दुपट्टा है डिफरेंट कलर्स का, क्योंकि ये सॉलिड कलर में है। पीछे की तरफ ना यहाँ पर जो यहाँ पे स्टिच लाइन होती है ना दो, इस तरफ वो फिटिंग बड़ी अच्छी लाती है, वो इसमें लगाई हुई है। पहनने के बाद मस्त लगता है, स्ट्रेट कट में है। इसके साथ आप चाहें तो सलवार या फिर ट्यूलिप पैंट्स, जिनको धोती पैंट्स भी कहते हैं, वो भी आप इसके साथ पेयर अप कर सकते हैं, अच्छी लगती है। नेक्स्ट जो कुर्ती आपके साथ शेयर करूंगी, विच इज फ्रॉम द ब्रांड कारीगरी। ये देखो, कारीगरी ब्रांड से कुर्ती है। जैसे कि मैं अभी ट्यूलिप पैंट की बात कर रही थी, जो कि धोती पैंट होती है, मैंने इसके साथ वही पेयर की है। ये भी लार्ज साइज में मैंने बाय की है, और इसका है कॉटन मटेरियल। इसका भी जो स्टाइल है, अंगरखा स्टाइल आपको मिलेगा, जो आपको पिंक कलर का फ्रंट पे काम दिख रहा है, पूरा एम्ब्रॉयडर है, जितना भी इस पे वर्क देख रहे हैं योक पार्ट पे, पिंक कलर का विद फॉइल मिरर। देखो कितना खूबसूरत है, बटन की डिटेल है, 3/4 स्लीव के साथ यहाँ पर भी पिंक थ्रेड से ना थोड़ी थोड़ी लाइंस बनाई हुई है। ये जो कुर्ती की लेंथ है आपको नीज तक आती है, स्ट्रेट कुर्ती है, तभी मैंने आपको कहा कि आप सलवार या फिर शरारा है किसी कलर का या फिर ट्यूलिप पैंट्स इसके साथ क्लब करो, अच्छी लगती है। येलो कलर के साथ ना किसी भी कलर का इसके साथ श्रग ट्राई कर सकते हो, दुपट्टा जैसे कि मैंने आपको बताया, डिफरेंट कलर की ज्वेलरी ट्राई कीजिए, अच्छी लगती है।
आजकल ना जब हल्दी मेहंदी ये वाले फंक्शन होते हैं तो कलर कोऑर्डिनेटेड रहते हैं सारे फैमिली वाले, तो अगर ऐसा कोई फंक्शन है आप कुछ बजट में ढूंढ रहे हो तब भी इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन आप लोगों को पसंद आने वाला है। नेक्स्ट सूट सेट, इसमें ब्रांड टैग नहीं है बट ये काफ़ी कंफर्टेबल है। रेयॉन में आपको कंप्लीट सूट सेट मिल रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि ऑब्वियसली यार काफ़ी सारे लोग अफोर्डेबल चीज़ें भी चाहते हैं। तो ये है थोड़ा सा मस्टर्ड येलो कलर में, इस पे नेकलाइन की तरफ ना पूरा गोटा पट्टी का काम है और ये मैंने एक्सेल साइज में लिया है, एक्सेल आप देख सकते हो। और इसकी फिटिंग जो है ना मुझे कंफर्टेबल लग रही थी। 3/4 स्लीव है गोटा पट्टी की डिटेल फ्रंट पे और बैक पे, पूरी स्लीव पर ना गोटा पट्टी की डिटेल है और फ्रंट पे नेकलाइन पे, बाकी पूरा सूट आपको सॉलिड बेसिक मिल रहा है। तो इसके साथ भी आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सॉलिड और बेसिक चीज़ें लेने का फायदा ये है कि ज्वेलरी चेंज करो, दुपट्टे चेंज करो, फुटवेयर चेंज कर लो और आपकी पूरी लुक बदल जाती है। इसके साथ आपको बॉटम मिल रहा है, फुल्ली इलास्टिक बैंड मिल रही है और कंप्लीट मतलब खुला खुला वाला जो इसका थाई एरिया है वो है कंफर्टेबल रेयॉन मटेरियल में। और इसके बॉटम पर गोटा पट्टी लगाई हुई है फ्रंट पर भी और बैक पर भी। तो मैंने आपको बताया कि मस्त वाला पीस है, आप ट्राई कर सकते हो, बजट फ्रेंडली है। और नेक्स्ट, कई सारे लोग कुर्ती सूट्स ये सब नहीं बाय करना चाहते हैं, तो उनके लिए शॉर्ट कुर्ती का ऑप्शन भी मैं लेकर आई हूँ। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं जो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, जब मैं कलर कोऑर्डिनेटेड हॉल लेकर आती हूँ उस समय मैं कोशिश करती हूँ कुर्तीज़, अनारकली, स्ट्रेट कुर्ती, टॉप, टी शर्ट, वॉट एवर जो भी अवेलेबल होता है अमेजोन के पास सारा मैं ग्रैब करके ले आती हूँ ताकि वेराइटी बन सके, है ना। ये है फ्रॉम द ब्रांड तवस्या की तरफ से और ये बहुत सुंदर है सच्ची। कॉटन मटेरियल में एथनिक प्रिंट आप देख रहे हो, बागरू प्रिंट है पूरी कुर्ती पर। इसका भी थोड़ा सा ना अंगरखा स्टाइल है, आगे की तरफ यहाँ पर आपको एक हुक मिल जाता है थोड़ा सा नेकलाइन एडजस्ट करने के लिए। 3/4 स्लीव और यहाँ पर ना थोड़ा सा बलून वाला फिट है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट यहाँ पर बलून फिट है, गैदर करके ना यहाँ पे स्टिचिंग की हुई है बॉर्डर के साथ। नीचे की तरफ थोड़ा यहाँ पर ना ये यू वाला कट, ये देखिए थोड़ा राउंडेड एंड्स हैं इसके, इसको भी आप प्लाजोस के साथ या धोतीज के साथ ट्राई करो, डेनिम्स के साथ आप पहन सकते हो, जेगिंग्स के साथ पहन सकते हो, हिप कवर करता है अच्छे से, कंफर्टेबल फिट है। तो डेली वेयर में पहनना है या छोटा मोटा कहीं बाहर जाना है आपने तो आप इसको ट्राई कर लेना। नेक्स्ट सूट इज़ वेरी वेरी पॉपुलर। जब भी मैं कुछ येलो कलर का या कुछ अच्छी कैटेगरी में ढूंढती हूँ ना, मतलब अमेजोन पे, तो ये वाला सूट सेट सबसे पहले मेरे सामने आ जाता था। तो मुझे लगा कि यार इस बार तो उसको बाय करना ही पड़ेगा। ये है फ्रॉम द वेरी गुड ब्रांड जयपुर कुर्ती की तरफ से, ये देखिए ब्रांड टैग, और इसमें भी मेरा साइज लार्ज है। ये है सूट सेट, ये ना थोड़ा सा जो येलो कलर है उसमें थोड़े से ग्रीन टिंट है, जो इसका येलो शेड है ना जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा थोड़ा सा ना ग्रीन का टिंट है बट है ये येलो में ही। ये देखिए राउंड नेक है, आगे जो आपको फ्लोरल पैटर्न मिल रहा है पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है, कॉटन मटेरियल जो खादी कॉटन वाला होता है वो। आगे की तरफ जो डिज़ाइन देख रहे हो योक पार्ट पे, प्रिंसेस कट में पूरा नीचे तक एम्ब्रॉयडरी जा रही है, स्ट्रेट है, स्लिट वाली कुर्ती और सॉरी सूट सेट है। तो अगर आप ऑफिस जाते हैं तब भी इसको ले सकते हैं, पूरा बेसिक बहुत अच्छा लगता है। स्लीव्स पर आपको कटआउट मिल जाएगा और यहाँ पर जो आप स्ट्राइप्स देख रहे हो ना, एक्चुअली मैं ये वीव करके मतलब एम्ब्रॉयडरी है ये लाइंस की जो रेड कलर की, पूरा सूट बहुत अच्छा है। और इसके साथ आपको जो बॉटम मिल रहा है वो भी उतना ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पर सेमी इलास्टिक आपको मिल रही है और आपको मिल रही है दोनों तरफ पॉकेट, विच इज़ अ थम्स अप, अ प्लस पॉइंट हमेशा मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यार जो लेडीज़ के कपड़े में किसी भी आउटफिट में पॉकेट दे देता है ना, मतलब आह थैंक यू यार। तो यहाँ पर दो पॉकेट्स आपको मिल जाती है, थाई एरिया में गैप काफ़ी अच्छा है, नीचे से थोड़ा सा टेपर्ड फिट है इसके पैंट में, नीचे एम्ब्रॉयडरी दी हुई है वही लाइंस वाली रेड थ्रेड से। तो ये भी कंप्लीट सॉलिड पैंट आपको मिल रहा है, ये भी सूट बहुत अच्छा है। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है कलर कोऑर्डिनेटेड हॉल और भी देखना चाहते हैं, लाइक करके ज़रूर जाना और वीडियो को शेयर करो, क्योंकि वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो
चैनल ग्रो कैसे करेगा, है ना। और नेक्स्ट रह गए हैं दो शो स्टॉपर्स जो आज की वीडियो में मैंने चुने हैं, बट उससे पहले साइट पर जो आप एक क्लिप देख रहे हो ना, एक छोटी सी झलक है मेरे इंस्टाग्राम की, मैं वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। थोड़ा और वन टू वन कनेक्ट होना चाहते हैं, जल्दी से आ जाओ इंस्टाग्राम पर, मित्रा वैशाली लिखना, यही वाली प्रोफाइल खुलेगी, ज्वाइन कर लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, टैप करो, यही वाली खुलेगी, जल्दी से आ जाओ, वहाँ पर भी बातें करेंगे। चलिए इंस्टाग्राम की बातें हो गई, अब चलते हैं शो स्टॉपर की तरफ। शो स्टॉपर में फर्स्ट विच इज़ अ कुर्ती, और ये भी बहुत अच्छे ब्रांड से है, ये है फ्रॉम द ब्रांड जनस्या की तरफ से, इसमें भी मेरा साइज यस लार्ज है, और ये बहुत ब्राइट वाला येलो शेड है, और उसके साथ रेड कॉम्बिनेशन कर दिया गया है ना, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। पूरा फ्लोरल पैटर्न है, कॉटन मटेरियल में मिल रही है आपको कुर्ती, रेड ऊपर पट्टी लगा के हाईलाइट किया हुआ है नेक लाइन को, 3/4 स्लीव के साथ यहाँ पर ना थ्रेड के टैसल लगाए हुए हैं, वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। गर्मियों में ना इस तरीके के कलर पैटर्न जब आप पहनकर निकलते हैं ना, ऐसे ही जैसे मैंने आपको कहा ना येलो कलर हमेशा स्माइल लेकर आता है, बिल्कुल वैसा ही पीस है, ऐसे ही स्माइल लेकर आएगा आपके फेस पे। ये जो एक्चुअल में डोरी दी हुई है आगे पॉम्पम लगा के, ये जस्ट शो के लिए, आप यहाँ पर जस्ट ट्राई कर लेते हैं, इसका बाकी और कोई रोल नहीं है, मतलब ये एडजस्ट नहीं करती आपकी वेस्ट लाइन को, बट ये ऐसी जस्ट शो के लिए है। स्ट्रेट में आपको ये स्ट्रेट नहीं सॉरी ए लाइन में आपको ये कुर्ती मिल रही है, साइड पर जॉइंट्स है, खुली नहीं है, ये जॉइंट्स के साथ है ए लाइन में, और इसकी बैक साइड भी पूरी फ्लोरल प्रिंटेड है ग्रीन और रेड के साथ। तो जैसे कि मैंने इसके साथ रेड इयररिंग्स डाली ना, सिर्फ इयररिंग्स डालकर ये लुक इतनी खूबसूरत लग रही है। कोई टीनेजर है, कॉलेज जाते हैं या डेली बाहर निकलते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेकअप शेकअप नहीं करना चाहते, तो ये ट्राई कर सकते हो, बहुत प्यारा प्रिंट है, पहनने के बाद भी सुंदर लगता है, और डेली वेयर में तो आप इसको आराम से पहन ही सकते हो। फाइनल शो स्टॉपर, जिसने भी आज पहली बार चैनल पर आए हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल बटन को एक कर देना, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये जो नेकलेस मैंने पहना हुआ है ये अमेजोन से ही है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अगर मुझे लिंक मिल गया तो मैं उसको भी नीचे माई हॉल स्टोर में दे दूँगी। और जो मैंने कुर्ती पहनी हुई है ये एक्चुअली में एक फ्री गिफ्ट है, इसकी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कल वाला वीडियो देखो, प्रीवियसली जो अभी गया है मेरे चैनल पर, कल चेक कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट विच इज़ द शो स्टॉपर फ्रॉम द वेरी वेरी गुड ब्रांड W की तरफ से, ये देखिए W ब्रांड की कुर्ती है, और ये देखिए ये बिल्कुल लाइटेस्ट लेमन येलो कलर होता है ना, वही वाला लेमन कलर है, 100% कॉटन, प्योर खादी कॉटन फैब्रिक है। टेक्सचर में इफ़ यू कैन सी, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ना बहुत लाइट कलर से, पिंक वाइट एंड ग्रे कलर से छोटा छोटा जो दिया हुआ है डिज़ाइन, ये एम्ब्रॉयडर्ड है सारा, पूरा नेकलाइन पे जो काम दिया हुआ है सारा एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, बहुत ही मैट थ्रेड होती है ना, मैट यस, ग्रे पिंक वाइट बहुत ही सटल और सोबर कलर से मैट थ्रेड के साथ पूरी एम्ब्रॉयडरी है। आगे ये आपको वेस्ट लाइन पे थोड़ी एडजस्टमेंट करने के लिए मिलती है, टैसल बहुत सुंदर है, घेरा इज ब्यूटिफुल, इसको कहते ना आई सूदिंग और सेटिस्फैक्ट्री कलर फैब्रिक और पीस, इसीलिए ये शो स्टॉपर है। आगे पैनल करके इसको बनाया हुआ है, देखिए अंदर की तरफ आपको कंप्लीट अनारकली मिल रही है, पैनल है, पैनल के आगे देखो ये जो छोटा छोटा आप जितना भी वर्क देख रहे हो पूरा थ्रेड में वीविंग वाला काम है। नीचे की तरफ आपको जो बॉर्डर मिल रहा है बहुत ही जैसे ऑथेंटिक काथा स्टिच वर्क होता है ना, कुछ कुछ उससे इंस्पायर्ड, नॉट एग्जैक्टली काथा स्टिच बट उसी के तरीके से एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, खूबसूरत पैटर्न, जब आप इसको हाथ में लेंगे तभी आपको इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा होगा। जो भी चीज़ें खरीदने लायक नहीं होती या कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, हमेशा मैं चाहती हूँ कि जितना भी मैं ऑनेस्ट रह सकूँ आप लोगों के साथ उतना मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी अच्छा है। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका कौन सा वाला फेवरेट हुआ, आज सभी लोग येलो येलो लिखेंगे तो मैं थोड़ा कंफ्यूज होने वाली हूँ, चलिए बता के ज़रूर जाइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और भी अमेजिंग और गॉर्जियस ऑप्शंस के साथ, बहुत सारे गिव अवे और अमेजिंग चीज़ें मैंने प्लान कर ली हैं चैनल के लिए, तो स्टे चिपक के बिल्कुल भी हटना नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय।